नमस्कार दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ कुट्टू के आटे की नमकीन, जिसे सेवैयाँ कहेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है आज सौंफ कुटा हुआ, और ये हमने अदरक का पाउडर और अजवाइन पाउडर, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, और ये लौंग, जो लौंग को हमने कूटा है दरदरा, और ये ऑयल 1 टेबल स्पून, और ज़रूरत पानी। तो यहाँ पे हमने 1 कप लिया है कुट्टू का आटा। इसमें हम डाल रहे हैं जिंजर पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट, और ये है 1 टीस्पून हमने लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून हमने लौंग पाउडर, और 1 टीस्पून हमने लिया है सौंफ पाउडर, और 1/4 टीस्पून हमने लिया है अजवाइन। मिक्स करके इसमें ऑयल डाल देंगे और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। और यहाँ पे आटे को हम पूड़ी के जैसे हम आटा बनाते हैं, सेवैयाँ बनाने के लिए जो नमकीन बोली जाती है जिसको, वैसे ही हमने इसका आटा तैयार करना है। आटा हमारा तैयार हो चुका है। अभी हम सेव बनाने वाली जो मशीन है उसके अंदर अपना आटा सेट कर लेंगे अच्छी तरह से। तो मोड में हम पहले से ऑयल लगा लेंगे। और ये देखिए कुट्टू के आटे की नमकीन, मैं अधिकतर जब उपास रहती हूँ नमकीन बना करके रखती हूँ, और कभी मेरा मन होता है तो मैं ये नमकीन को खाती हूँ। और ये इसे फलाहारी बनाने के लिए हम इसमें सेंधा नमक का यूज कर सकते हैं। और देखिए बेसन वगैरह की नमकीन हम खाते रहते हैं आजकल, कुट्टू का आटा, जौ का आटा, बाजरे का आटा, हर तरह के आटे मार्केट में अवेलेबल हैं। सर्दी के दिनों में अगर हम इन्हीं आटों का सेवन करें तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो मैदा बेसन हम लोग खाते रहते हैं, तो अभी हमें कुट्टू का है, जौ का, बाजरे का आटा, तो मकई का आटा, इन्हीं आटों की हम तरह तरह की रेसिपी बना के अगर घर में सर्व करें तो हम सबकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो ये देखिए हमने फ्राई करके नमकीन को, बढ़िया बन गई हमारी नमकीन, और इसे हम डब्बे में भी भर के रख सकते हैं। बहुत अच्छी क्रंची नमकीन बनती है, ट्राई ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।